हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ना कुछ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, जो आपको ना खाकर मतलब इसको स्टोर करके इसे बनाकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आम तो सबको बहुत पसंद होता है, तो ये जो मैंने आम लिया है ये केसरी आम है और एक दशहरी आम है। आपको ना जो भी आम पसंद हो आप उससे बना सकते हैं। और जो सिर्फ आम खाना ही पसंद करते हैं उन्हें नहीं मतलब होता कि कौन सा आम है, तो वो तो किसी भी आम से बना लें। ये मैंने ना एक आम का इसमें इस्तेमाल किया है और आप इसका मज़ा पूरे साल भर तक ले सकते हैं। बस करना क्या है, आम को छीलकर इसको ना पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पीसेंगे कि इसमें किसी तरह की ना मतलब चंक्स ना हो आम के। बहुत अच्छे से ना दो तीन बार करके इसे पीस लेंगे। जब ये बिल्कुल पीस के स्मूद हो जाएगा ना, फिर इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ये भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताया कीजिए। मुझे आपके कमेंट का रिप्लाई करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो कोशिश करें थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो देखिए, मैंने ना 2.5 चम्मच चीनी ली है और ना 3 से 4 चम्मच मैंने ये मैंगो का पल्प जो पीसा था ना वो लिया है। अब इसे चीनी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो हम बना रहे हैं ना, ये मैंगो प्रीमिक्स है। जैसे कि ना अभी हम लोग यूज़ करते हैं ग्लूकोंडी, पानी में मिलाकर पी लेते हैं ना बच्चों को एनर्जी के लिए, तो वो प्रिजर्वेटिव है, उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल होगा, घर पे बनाएंगे और बच्चे पिएंगे भी इसको और बहुत हेल्दी भी रहेगा। तो मैंने चीनी ली थी ना 2.5 चम्मच, उसे अच्छे से मिलाकर ना इसे फ्लैट कर देना है। बिल्कुल पतली लेयर ही रखनी है कि ये सूख जाए। और ना इसको सुखाने का ना बस मेन प्रोसेस क्या है ना, आपको बिल्कुल भी इसको धूप में नहीं सुखाना है। याद रखिएगा ना, इसे धूप में मत सुखाइएगा। धूप में सुखाएंगे ना अभी तेज़ धूप में, तो ये ना बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा चीनी और ये प्रॉपर सूखेगा नहीं। पंखे के नीचे सुखाना है, तो आप पंखे के नीचे सुखाएं, एक दिन के बाद बिल्कुल पतली लेयर बन जाएगी। तो चम्मच से ना थोड़ा सा खुरच लीजिएगा, यानी कि इसको उतार लीजिएगा प्लेट से और इसे पलट, मतलब ये एक तरीके से पलट जाएगा जब तक ये क्रिस्टल जैसे जम ना जाए, तब तक इसे सुखाना है। हम तो अभी तो गर्मी है, पंखा पूरे दिन चल भी रहा है, तो जहाँ पंखा पूरे दिन चले वहीं सुखाइए इसे। तो हार्डली आपको 3 डेज़ लगेंगे, 3 से 4 डेज़ तो लगने ही लगने हैं। इतने दिन में ही ये बिल्कुल प्रॉपर सूख जाएगा। तो ये देखिए, 3 से 4 दिन हो गए, ये बिल्कुल सूख के ना बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया है, मतलब जम गया है। चीनी बिल्कुल ऊपर आ गई है और ये बिल्कुल एक बाइंडिंग सी बन गई है, बिल्कुल टॉफ़ी की तरह। वैसे भी खा रहे थे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मैं इसका ना पाउडर बनाऊंगी प्रीमिक्स, जैसे कि हम ग्लूकोंडी होता है ना बिल्कुल उसी की तरह। फ्रेंड्स, आप ना इसी तरीके से ना और भी फ्रूट्स का ना प्रीमिक्स बना सकते हैं। प्रोसेस सेम होगा, बस फ्रूट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बस अब मिक्सी का जार लें और उसमें डालकर इसे पीस लें। मुझसे पहले गलती क्या हुई थी, मैंने इसको ज़्यादा भर दिया था, तो आप ये गलती मत करिएगा। फिर बाद में मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके पीसा। जैसे ही मैंने ज़्यादा भर के पीसा ना, तो जार गर्म हो गया। जार को गर्म नहीं होने देना है, नहीं तो ये पाउडर नहीं बनेगा। बस इस बात का भी ध्यान रखें, बिल्कुल कम कम क्वांटिटी में इसको पीसें, तब जाके ये बिल्कुल फाइन पाउडर बनेगा। और जार गर्म नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल सूखा हुआ पाउडर की फॉर्म में ही रहेगा, वरना लड्डू की तरह बन जाएगा अगर ज़्यादा भर के बनाएंगे तो। फिर इसे किसी भी कंटेनर में आप इसे भर के रख दें। ये मैंने ग्लास का जार लिया है, पहले से इसे धो के और थोड़ा सा इसे धूप दिखा दिया था और कपड़े से साफ़ कर लिया है। इसमें स्टोर कर देंगे और आपने इसे दूध में डाल के पानी में डायरेक्टली डाल दें। बस क्वांटिटी ना, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी का पाउडर डालिएगा, वरना तो मुश्किल से ये मीठा भी बहुत ही है। तो आपने बस क्या करें, ग्लास में थोड़ा सा बर्फ़ डालें, अभी तो सीज़न गर्मियों का है तो बर्फ़ डालें। और इसमें 2.5 चम्मच मैंने प्रीमिक्स डाला है जो हमने अभी बनाया है मैंगो का। अब अच्छे से डालकर एक जार में मैं पानी वाला बनाऊंगी, मतलब वाटर वाला, और एक में ना हम बनाएंगे मिल्क वाला। दोनों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लग रहा था, एक बार आप भी ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को दीजिएगा पीने के लिए, बहुत पसंद आएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो ये दोनों ही बहुत टेस्टी लग रहे थे। प्रॉपर मिल्क शेक तो नहीं था लेकिन पीने में फ्लेवर दे रहा था। तो ज़रूर बनाएं और इसे ट्राई करें। बाय बाय।